आपका चेहरा आपका वास्तु बता देता है, आपका खुद का वास्तु। आपका चेहरा आपकी बीमारियां बता देता है, आपका चेहरा आपके ऑर्गन्स में किस ऑर्गन में क्या तकलीफ है वो भी बता देता है। चेहरा आपका जो होता है वो आपके सारे जो ऑरा और चक्रास होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी उम्र भी बताता है, तो बहुत कुछ बताता है चेहरा हमारा। ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है जिसको जिसके थ्रू हम फेशियल फीचर्स के थ्रू इंसान को जज करते हैं या उसकी पर्सनैलिटी के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं। ठीक है, किस तरह से इसको डिवाइड किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरा सा समाज, जैसे मैंने कहा ना, चेहरा आपकी उम्र भी बताता है। ठीक है, तो किस तरह से हम उसको देखेंगे और समझेंगे ये भी तो इम्पोर्टेंट है, राइट? कैसे हम इसको समझेंगे? जो हमारा माथा होता है वो 15 से 30 साल की हमारी उम्र बताता है। हमारा यंग, हमारा यूथ, जब हम यंग थे वो एरिया क्लियर करता है कि क्या है उसके अंदर और क्या था। फिर उसके बाद हमारी जो मिडिल एज है वो हमारी आईब्रोज, आईज और नोज बताती है, चीक्स और ईयर्स। ठीक है, तो आईब्रो हमारी क्या बताएगी, 31 to 34 ईयर्स की एज। आईज हमारी 35 to 40 ईयर्स ओल्ड है, मतलब उसका एक अंदाजा उससे होता है। कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड प्लीज। ओके, सो सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, मुझे थोड़ा बेल बजा था तो दरवाजा खोलने जाना पड़ा। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ओके, अब आपकी जो ओल्ड एज है वो आपकी चिन बताती है। ठीक है, आफ्टर 50 ईयर्स, सो सॉरी, नोज रह गई। नोज आपकी 41 to 50 ईयर्स बताती है और फिर चिन आपकी बताती है आपकी एज 50 ईयर्स। जब हम इसको डीप स्टडी करते हैं फेस को, तब ये सब चीजें का हम एस्पेक्ट लेते हैं। बट एक जनरल में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यूथ, मिडिल एज और ओल्डर एज, ये सब इस तरह से हमारा आता है इसमें।